सो हेलो गाइस, मार्केट ओपन होते ही मैंने यहाँ पर एक पीई साइड में एंट्री बना लिया था और उसमें मुझे 1000 का प्रॉफिट। फिर मैंने सी साइड में जो है एंट्री लिया, मुझे लगा कि ये पीई वालों को फंसा रहा है, तो इसीलिए मैंने सी साइड में एंट्री लिया, लेकिन मेरा वो गलत था। मैंने यहाँ पर ये निकल गया 315 के लॉस में। फिर से मैंने पीई साइड में एंट्री लिया। अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में कितना मोमेंटम आ रहा है और हमारा कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस होने वाला है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी मेरा गलती यहाँ पर ये हो गया, थोड़ा सा करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा आउट ऑफ द मनी मैंने बाई कर लिया है। थोड़ा सा इन द मनी मुझे बाई करना चाहिए था या फिर एट द मनी बाई करना चाहिए था। मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन यहाँ पर मूवमेंट नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे हम। टारगेट बहुत बड़ा है इसीलिए मैंने, और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी थोड़ा कम हो गया यहाँ पर। ठीक है, रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी थोड़ा कम हो गया। अगर इन द मनी में करता तो रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता। ठीक है, तो वेट करेंगे थोड़ा सा। देख सकते हो आप 380 का लॉसेस चल रहा है, 500 मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस है। देखते हैं हिट होता है तो ठीक है, वरना वेट करेंगे। सो देख सकते हो दोस्तों, 300 से ये मेरा यहाँ पर बहुत बड़ा था इसलिए स्क्रीन रिकॉर्ड को थोड़ा काट दिया है मैंने। 300 से 90 तक आ गया है, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। सो वैसे हमारे देख सकते हो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। 500 मेरा स्टॉप लॉस था और 500 ही टारगेट रहने वाला है। उसके बाद फ्लो में जो भी मिलता है मैं उसको बुक करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरा PNL रिपोर्ट देखना चाहते हो या फिर मेरा कितना वो ग्रीन ग्रेड है देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको भी दिखा दूंगा आप लोगों को। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो 2000 का प्रॉफिट हो चुका है। 500